जब एक छत के नीचे आ ही गए हो, एक घर के अंदर रह ही रहे हो, तो वहाँ पे बड़ों से मुंह मोड़ के रहने का क्या मतलब है? क्योंकि अगर देखा जाए तो बड़ों से ही तो घर बनाए, उन बड़ों ने ही तो आप लोगों के सर के ऊपर छत दी है, तो जिनके आशीर्वाद से, जिनकी मेहनत से वो छत मिली है और छत के नीचे आप सारा परिवार एक साथ रह रहा हो, आप उन्हीं से मुंह मोड़ के कहाँ जाओगे और उन्हीं से मुंह मोड़ के क्या करोगे? फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूँ ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में न्यू है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें और यस, कमेंट सेक्शन में अपनी अपनी राय, अपनी अपनी पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर शेयर करें। तो मैंने अभी बस जस्ट देखा है निकी का एक कम्युनिटी पोस्ट, और कम्युनिटी पोस्ट हालांकि पोस्ट हुए हुए काफ़ी वक्त हो गया, बट मेरी नज़र पड़ी लेट, और ये वीडियो मैं लेट नाइट रिकॉर्ड कर रही हूँ, बट आप लोगों को ये टाइमली मॉर्निंग में मिल जाएगी। तो कम्युनिटी कुछ इस तरीके से लिखी थी कि हमारी फैमिली बहुत प्रॉब्लम में है, प्लीज़ प्रे कीजिए कि नानी का काम और शादी दोनों बिना किसी अड़चन के अच्छे से हो जाए और हम अपनी जिम्मेदारी निभा पाएँ। वेल, इस पोस्ट के पीछे असली वजह क्या थी ये तो कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन कमेंट सेक्शन में देख के पता चल रहा है कि हाँ, काफ़ी ज़्यादा ऑडियंस भी कंसर्न है कि आखिर इस कम्युनिटी पोस्ट का मतलब क्या होगा। आई थिंक मतलब अगर एक प्रेडिक्शन लगाई जाए, क्योंकि हम लोग इनके व्लॉग फॉलो कर रहे हैं, तो व्लॉग फॉलो करते करते भी थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में किस चीज़ के बारे में चर्चा हो रही होगी। जैसे कि फैमिली में एक के बाद एक सबको हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, डे बाय डे निक्की की कमज़ोरी, उसका जो वेट लॉस हो रहा है वो देखने से ही समझ में आ रहा है, जिस तरीके से उस पर कपड़े इतने ज़्यादा लूज़ होने लगे हैं, और इन्फेक्शन उन्होंने बताया ही था, अक्सर उनके पेट में दर्द हो रहा है, बहुत मुश्किल से वो जो है घर का काम वगैरह भी संभाल पा रही हैं, ये आराम से देख के पता चल रहा है। उसके बाद आंटी के हेल्थ इश्यूज़, उनकी मम्मी का चले जाना, तो वाकई में घर में माहौल वैसा है जिसमें वो अपने परिवार के लिए अपने सब्सक्राइबर से बोल रही है कि प्रार्थना कीजिए। फैमिली मतलब परिवार, परिवार मतलब कि सारा परिवार। तो देखा जाए तो निकी ने अपने सारे परिवार के लिए अपनी ऑडियंस से रिक्वेस्ट करी है कि प्लीज़ हमारे परिवार के लिए प्रे कीजिए कि जो चीज़ें बची हैं, जिस चीज़ों में हमें जिम्मेदारी निभानी है, नानी का काम, क्योंकि इंसान की ज़िंदगी में दुख तकलीफ़ आती रहती है, सर्दी जुखाम बुखार हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं, लेकिन कोई इंसान इस दुनिया से चला गया उसका काम बार बार नहीं आएगा, किसी की शादी है वो बार बार नहीं होगी, ये कुछ ऐसे कार्य कीरज होते हैं जो सिर्फ एक बार ही होते हैं, और शामिल होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। और अपने हेल्थ इश्यूज़ के चलिए, या ये बोली परिवार के माहौल में जो अप डाउन चल रहा है उसके चलते थोड़ा सा टेंशन में वो होंगी, जब तक कोई चीज़ें निपट ना जाएँ, कंप्लीट ना हो जाएँ, तब तक दिल में हमेशा दुख दुख लगी रहती है कि भगवान बस ये चीज़ें अच्छे से निपट जाए। जब घर में कोई शादी वगैरह जैसा फंक्शन होने वाला होता है तो घर के जो बड़े होते हैं वो बार बार भगवान जी के आगे यही बोलते हैं कि भगवान जी बस हमारा कार्य कीरज जो है वो अच्छे से संपन्न करा देना। तो शायद उसी परिस्थिति में, उसी कॉन्टेक्स्ट में ये कम्युनिटी डाली होगी निक्की ने। चलिए, कम्युनिटी डालने के बाद करते हैं व्लॉग की बात। तो व्लॉग में उन्होंने छठ पूजा दिखाई आज, हालांकि मैं जिस स्टेट से बिलोंग करती हूँ हमारे साइड छठ पूजा नहीं होती, तो मुझे छठ पूजा के बारे में आइडिया नहीं था कि एक्चुअल में छठ पूजा किसके लिए की जाती है। तो मेरी एक फ्रेंड है जो इसी स्टेट से है, मैंने उसको कॉल किया, वीडियो बनाने से पहले मैंने कॉल किया कि प्लीज़ मुझे बता कि ये छठ पूजा किसके लिए होती है, क्यों होती है, क्या महत्व है इस छठ पूजा का। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो नहीं बताऊँगी क्योंकि आई एम श्योर कि आप सबको ऑलरेडी पता होगा, बट जिनको नहीं पता उनके लिए बता देती हूँ कि उसने मुझे बताया कि साल में दो बार छठ पूजा आती है, एक बड़ी छठ और एक जो नवंबर के टाइम पे आती है, और एक ये वाली छठ पूजा होती है। तो इस छठ पूजा में जो घर का बुज़ुर्ग होता है, बड़ा होता है, वो व्रत करता है और सूर्य को अर्घ देता है। खासकर उसने ये बोला कि ये बेटों के लिए की जाती है और जिनका बेटा होता है वो ये व्रत को करते हैं, और अगर कोई बुज़ुर्ग को हेल्थ इश्यूज़ है या वो नहीं कर पा रहा है तो घर में जिनका बेटा होगा या घर में कोई और बड़ा होगा तो वो इस व्रत को कर सकता है। कुछ ऐसा एक्सप्लेनेशन उन्होंने मुझे दिया, बाकी आप लोग भी अपनी एक्सप्लेनेशन मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता रहा। तो वहाँ पे देखा जाए अगर आंटी, तो आंटी की हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी, और हिम्मत से ज़्यादा अपने बच्चों से उनकी मोहब्बत, कि आपने देखा कि उनकी तबीयत कल भी डाउन थी, उनकी तबीयत आज भी ठीक नहीं लग रही थी, यहाँ तक कि वो शाद श्रृंगार करने को भी तैयार नहीं थी। निक्की ने अपनी व्लॉगिंग में बताया कि वो उन्होंने ज़बरदस्ती मम्मी के पैर में जो है नेल पेंट लगाया, आलता लगाने की वो बात कर रही थी, पर उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुझे आलता नहीं लगाना, तो उन्होंने नेल पेंट ही लगाया।
तो यहाँ से दिख रहा था कि टेंशन और परेशानी और हेल्थ इश्यूज़ और डिप्रेस वो हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर की खुशहाली के लिए, क्योंकि ये जो व्रत होता है ये घर की खुशहाली के लिए भी होता है, घर के अच्छे के लिए भी होता है, और उसके लिए उन्होंने ये व्रत रखा। हालांकि उनकी हेल्थ इस चीज़ का अलाउ नहीं कर रही थी उन्हें, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने घर के सुख शांति के लिए, अपने घर के बच्चों के लिए व्रत रखा। लेकिन व्रत रखने के बाद कमेंट सेक्शन अगर देखें तो वहाँ पे भी लोग व्रत के दिन भी किसी इंसान को जज कर रहे हैं कि आपने कितना भेदभाव किया। आपका व्रत था, आपने एक ही बेटे को बुलाया, आपने दूसरी बहू को बुलाया नहीं, आपने जेठानी जी को बुलाया नहीं। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अगर कहीं पे कोई जना प्रेजेंट नहीं है तो कैसे कोई अज्यूम कर लेता है कि इसमें गलती सिर्फ इधर वाले की ही होगी, क्योंकि हम उधर नहीं बैठे हैं। यू नेवर नो कि बुलाया नहीं गया है या आया नहीं गया है या फिर घर में कोई और अदर सिचुएशन है, हमें नहीं पता। हमें थर्ड सिचुएशन का नहीं पता कि आखिर क्यों नहीं आया गया, क्यों बुलाया नहीं गया और अदर क्या सिचुएशन थी, राइट? तो उसमें एक इंसान जो अपने बच्चों के लिए व्रत रख रहा है, कोई भी माँ अपने लिए नहीं रख रही होगी या अपनी एक औलाद के लिए नहीं रख रही होगी। माँ ने हर औलाद को जन्म दिया है तो माँ के लिए हर औलाद बराबर होती है। भले ही वो अपने बच्चों को कितना डांट दे, कितना कोस ले, कितना कुछ बोल ले, लेकिन माँ की ममता और मोह अपने बच्चों से कभी भी मुड़ता नहीं है, कभी भी नहीं मुड़ता। ये हर एक माँ जानती होगी, और जिनके छोटे बच्चे भी होंगे वो भी जानते होंगे, बच्चे कितनी शैतानियाँ कर लें, कितना नुकसान कर लें, आप एक पल के लिए उनसे नाराज़ हो जाओगे, दो दिन बात नहीं करोगे, लेकिन आप उनके बिना रह नहीं सकते। तो उस माँ ने अपने परिवार के लिए ही व्रत रखा है, अपने घर के बच्चों के लिए ही व्रत रखा है। अब अगर बच्चे नहीं हो पाए, पहली बात की ये कोई शादी फंक्शन नहीं है, ये व्रत है, पूजा पाठ है। अब पूजा पाठ में कभी भी किसी को न्योता नहीं दिया जाता, पूजा पाठ के लिए कभी भी किसी को बुलाया नहीं जाता, इसमें आपकी अपनी खुद की श्रद्धा होती है। जिस तरीके से जब जागरण होते हैं, जगराते होते हैं, तो वहाँ पे न्योता नहीं दिया जाता, जिसको जहाँ तक आवाज़ आए वो वहाँ पे पहुँच सकता है, दरबार में पहुँच सकता है, ऐसे ही होता है। पूजा पाठ के लिए वो भी अपने घर के सदस्यों को क्या इन्वाइट करना पड़ेगा, और कौन इतना ज़्यादा, मतलब मैं ये बोलूँगी, ऐसा इंसान होगा जो पूजा पाठ जैसी जगह से किसी को भगा देगा कि यहाँ पे नहीं बैठना, फिर तो मतलब वो सोचो वो तो भगवान से भी बड़ा हो गया, जो जिसके अंदर ये डर ही ना हो कि आप पूजा जैसी जगह पे भी इंसान को अगर भेदभाव कर रहे हो, ऐसी नीयत से कर रहे हो, तो फिर तो उसे भगवान का भी खौफ और डर नहीं है। तो एक माँ के लिए ऐसा मत बोलो। उस माँ ने व्रत रखा अपने घर के बच्चों के लिए, अपने घर की खुशहाली के लिए। अगर बच्चे वहाँ पर नहीं हैं तो क्या पता क्या रीज़न है, बच्चों के क्या पता क्या रीज़न्स होंगे, क्या पता कहीं और किसी चीज़ में बिज़ी होंगे, क्या पता क्यों नहीं आए होंगे। लेकिन माँ ने भेदभाव कर दिया, माँ ने नहीं बुलाया, हर बात घूम फिर के माँ पे क्यों आ जाती है। कोई भी माँ अपने बच्चों में भेदभाव नहीं करती, जब भगवान के आगे हाथ जोड़ के मांगती है तो अपने सारे बच्चों की सलामती मांगती है। स्पेशली भगवान से प्रार्थना करके ये नहीं बोलती होगी कि भगवान मेरे इस वाले बच्चे को इतना देना और मेरे इस वाले बच्चे को इतना देना, वो हाथ जोड़ के यही मांगती होगी कि मेरे परिवार के सब बच्चों को खुश रखना। बताओ अगर मैं झूठ बोल रही हूँ, बताओ अगर कोई ऐसी माँ है जो स्पेशल भगवान से सब कुछ मांगती होगी, तो क्यों उस माँ को इतना परेशान कर रहे हो? आपको क्यों नहीं दिख रहा है कि वो इंसान इतनी बीमार होने के बाद भी व्रत रखा है उन्होंने, यही बहुत बड़ी बात है। कोई बंदा आए नहीं आए ये उसकी अपनी पर्सनल चॉइस है, और पूजा पाठ में घर के किसी कार्य में मुझे नहीं लगता कि फैमिली मेम्बर्स को इन्वाइट करा जाता है। घर के सदस्य तो खुद सम्मिलित हो जाते हैं, घर के सदस्य तो खुद पूजा में सम्मिलित हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो ऐसा मत बोलिए। उसके बाद अगर बात करें जेठानी जी के व्लॉग की, तो उनका व्लॉग नॉर्मल था आज, और झूला वगैरह झूल रही थी, सब कुछ ठीक था, बच्चे के साथ हंस भी रही थी। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम उनके चेहरे पे स्माइल दिखी, और स्माइल देख के अच्छा लगता है, जब आप किसी को हंसते हुए देखते हो तो देखने वाले की चेहरे पे भी मुस्कुराहट आती है। इसीलिए बोलती हूँ कि इन्फ्लुएंसर्स को मुस्कुराते हुए हंसते हुए अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत करनी चाहिए, क्योंकि आपको देखने वाले इंसान के अंदर भी आपको देख के पॉजिटिविटी आनी चाहिए। क्योंकि दुनिया में इतना दुख है, इतना दर्द है, जिसकी ज़िंदगी देख लो कुछ ना किसी दुख से वो डील कर रहा है। तो अगर वो फ़ोन खोले, आपका वीडियो देखे, और अगर आप उसके चेहरे पर मुस्कान का रीज़न बन रहे हो ना, तो आपको इससे अच्छी ब्लेसिंग्स कोई मिल ही नहीं सकती, अगर आप किसी के चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ रहे हो। तो आज हंसते हुए ब्लॉगिंग दिखी,
अच्छा पॉजिटिव स्टार्टिंग थी, बट अगेन कुछ कमेंट्स को लेके फिर कमेंट सेक्शन में ऐसा देखने को मिला कि वापस से कुछ ताना मारा गया। मैंने कमेंट्स ही पढ़े क्योंकि बेसिकली क्या होता है, पूरा व्लॉग देखने से अच्छा है मैं सोचती हूँ कमेंट्स पढ़ लेती हूँ, तो ज़्यादा अच्छे से ऑडियंस ही आइडिया लगा देती है कि क्या था। तो जब ऑडियंस ने बताया कि ऐसा सच कुछ बात थी तो मैंने फिर व्लॉग देखा, व्लॉग देख के पता चला उन्होंने कुछ डिस्क्राइब किया है, कुछ एक्सप्लेन किया है अबाउट द कमेंट सेक्शन, कि मैं अपना कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन रखती हूँ ताकि मुझे नेगेटिव कमेंट्स वालों की भी बातें पता चलें कि वो लोग क्या सोच रहे हैं और पॉजिटिव वालों की भी पता चले। इसलिए मेरा कमेंट सेक्शन औरों की तरह किसी भी सेटिंग पे नहीं होता, किसी भी कमेंट सेक्शन पे ऑफ नहीं होता। तो यहाँ पे कुछ लोगों को ये लग रहा है कि अगेन इन्होंने देवरानी को ताना मारा, क्योंकि देवरानी जो है वो सेटिंग अपनी ऑन रखती हैं या वो जो है हेल्पफुल रिव्यूज़ करती हैं। हर इंसान अपने चैनल का ओनर होता है, उसकी मर्ज़ी है, अगर कोई बर्दाश्त कर पा रहा है, अपने लिए ले पा रहा है तो वो खोल ले, लेकिन जो अपने लिए नहीं ले पा रहा है उसको YouTube ने प्रोवाइड किया है, क्योंकि अपने मेंटल पीस से बढ़कर तो कुछ नहीं है ना। अगर आपकी चीज़, आपका मेंटल पीस किसी चीज़ को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा है तो आप साधारण तरीके से उस चीज़ से डाइवर्ट हो जाओगे ना, अपना रास्ता वहाँ से घुमा लोगे। पर जेठानी जी के अंदर इतना दिल है कि वो नेगेटिव भी ले सकती हैं, पॉजिटिव भी ले सकती हैं, सब कुछ हर तरीके की चीज़ें ले सकती हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो उनका चॉइस है कि उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन ओपन किया है कि आओ कुछ भी लिखो, मैं बॉदर नहीं होती हूँ क्योंकि मैं दिल की मजबूत हूँ और मैंने अपना माइंडसेट और अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किया हुआ है। लेकिन कंपैरिजन अपने किसी और से करना ये चीज़ ठीक नहीं है, हर किसी की अपनी चॉइस है और हर किसी का अपना मेंटल पीस होता है। शायद वो नहीं ऑन कर रही हैं देवरानी क्योंकि वो नेगेटिविटी नहीं दिखाना चाहती अपने चैनल पे या नहीं लेना चाहती, बट हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम पे वो भी ऑन कर दे। लेकिन अगर उन्होंने ऑन कर दिया तो फिर उनको भी जज ना किया जाए, जिस तरीके से अभी इन्होंने अपने कमेंट सेक्शन की एक्सप्लेनेशन दे दी कि मैं हर तरीके के कमेंट्स को इनवाइट कर रही हूँ ताकि मैं नेगेटिव भी देख पाऊँ और पॉजिटिव भी देख पाऊँ। तो अगर कल को देवरानी जी का ऐसा कोई सेटिंग हट जाती है और वो भी ऑल कमेंट्स अपने ऑन कर देती हैं तो उनको भी जज ना करना फिर, है ना, क्योंकि जब बराबर होती तो चीज़ें दोनों के लिए बराबर होती हैं। क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि अगर देवरानी ज़रा सा भी कुछ इधर से उधर करती है तो उसको हर छोटी चीज़ में जज किया जाता है, ऐसे क्यों कर दिया, वैसे क्यों कर दिया, कमेंट्स नेगेटिव हटा दिए तो हटा क्यों दिए, ला दिए तो ला क्यों दिए, मतलब हर चीज़ में उसको बाउंड कर देते हैं, हर चीज़ में उसको जज किया जा रहा है। फिलहाल अब काफ़ी सारा चीज़ें जो है वो क्रिस्टल क्लियर हो गई हैं, ट्रांसपेरेंट भी हुई हैं ऑडियंस की नज़रों के सामने, काफ़ी चीज़ें जो है वो सुधरी भी हैं क्योंकि देवरानी ने अपने अंदर काम बहुत किया है। कॉन्ट्रोवर्सी के बाद उन्होंने अपने अंदर बहुत चेंजेस लाए हैं और वो चेंजेस हमें डे बाय डे नज़र भी आ रहे हैं। मैं ये नहीं बोलूँगी कि जेठानी ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया, वो भी इम्प्रूवमेंट की तरफ है। और जैसे कि मैंने बोला, आज उनका व्लॉग काफ़ी इम्प्रूव था, देख के मुझे अच्छा लगा, अदर देन ये कमेंट वाला, बस ये कमेंट वाला सेक्शन भी जो है कुछ लोगों ने जज किया, उन लोगों का ये रिएक्शन था इस पे कि ये ताना मारा गया है। तो दोनों के दोनों अपने कंटेंट पे अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन बस मैं यही बोलूँगी कि अगर उधर जज नहीं कर रहे हो, इफ़ यू आर ओके विद द जेठानीज व्लॉग और हर कमेंट सेक्शन, देन सेम आप देवरानी के लिए भी करो। और जो देवरानी वाले हैं, अगर यू आर ओके विद द देवरानी थिंग्स तो आप जेठानी के लिए भी वो करो। मतलब ये ना हो कि देवरानी वाली ऑडियंस जाके जेठानी को जज करना शुरू कर दे और जेठानी वाली ऑडियंस जो है वो देवरानी को जज करना शुरू कर दे। आधी प्रॉब्लम्स की जड़ यही है, प्यार, ऑडियंस का प्यार और अंधाधुन प्यार, और आधी जंग ही सब्सक्राइबर के बीच में है। फैमिली मेंबर्स के बीच में जंग कम नज़र आती है लेकिन सब्सक्राइबर्स के बीच में जंग ज़्यादा है। जो यहाँ व्लॉग देखते हैं वहाँ भी देखते हैं, फिर यहाँ के पॉइंट्स जाके वहाँ पे बोलते हैं और वहाँ के पॉइंट्स जाके यहाँ पे बोलते हैं, जिसकी वजह से शायद मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट होती है और कहीं ना कहीं फिर डिस्टर्बेंस होती है। फिलहाल मैं तो यही चाहूँगी कि जिस तरीके से आज और शुरुआत हो गई है अच्छी पॉजिटिव व्लॉगिंग की, इसी तरीके से इन फ्यूचर भी हमें ऐसी ही पॉजिटिव व्लॉगिंग देखने को मिले, दोनों के चेहरों पे मुस्कुराहट देखने को मिले, क्योंकि हम भी हंसना चाहते हैं। और अगर स्टिल फैमिली में कुछ मनमुटाव चल रहे हैं तो उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो, क्योंकि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि घर में कोई त्यौहार है, कोई व्रत है, कोई पूजा पाठ है और उसमें पूरा परिवार सम्मिलित ना हो। सांझा परिवार है, इतना प्यारा परिवार है, दो छोटे छोटे बच्चे हैं, और अगर वो छोटे छोटे बच्चे भी पूजा का हिस्सा नहीं बन रहे हैं या पूजा की सुबह से किसी भी तैयारी में कोई सहयोग नज़र नहीं आया, कोई प्रिपरेशन नज़र नहीं आई, भले ही वो नानी के काम से रिलेटेड, जैसे कि मैंने बोला नानी के काम से रिलेटेड भी कोई जिम्मेदारियाँ जो हैं वो जेठानी जी ने नहीं करी, सारी की सारी चीज़ें हमें देवरानी करती हुई दिखी और
शादी से रिलेटेड चीज़ें की तैयारी भी देवरानी कर रही हैं, सास के साथ जा जा के कर रही हैं, तो उन सब चीज़ों में अगर जेठानी बड़ी हैं तो अपना बड़प्पन भी दिखाना चाहिए, हक से आना चाहिए, बोलना चाहिए मम्मी चलो मैं आपको चीज़ें दिलवाती हूँ। बड़े बुज़ुर्गों को मनाना बहुत आसान होता है, जैसे कि मैंने बोला छोटे बच्चे और बड़े दोनों सेम होते हैं, उन्हें थोड़ा सा पैम्पर करो वो लोग मान जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर छल कपट नहीं होता। वो जैसे जैसे उनकी एज बढ़ती है उनके अंदर की वो सब चीज़ें ख़त्म होने लगती है और उनके अंदर एक बच्चा आने लगता है। तो जैसे आप बच्चे को संभाल के रखते हो, प्यार से रखते हो, प्रेम से रखते हो, पैम्पर करके रखते हो, वैसे ही हमारे बड़े बुज़ुर्गों को भी हमें रखना पड़ता है। समटाइम्स होता है कि हमारी कोई गलती भी नहीं होती, वो फिर भी हमें कुछ भी बोल के चले जाते हैं और हम ये सोचते हैं हमने किया क्या, इन्होंने तो सुना भी नहीं कि हमने तो कुछ किया ही नहीं, बिना सुने ही बिना हमारी गलती कही बताओ हमें बोल के भी चले गए। पर क्या करें, ये उनकी उम्र है ना, ये उनकी उम्र है, और अगर इस उम्र में वो ये सब चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे, है ना। तो ये मैं बोलूँगी कि इतने अच्छे अच्छे मौके पूजा पाठ जैसी चीज़ों पे परिवार इकट्ठा होता हुआ ज़्यादा खूबसूरत लगता है, ज़्यादा अच्छा लगता है, तो वो चीज़ें करो। क्यों नहीं आए, क्या नहीं आए, इसका पता नहीं, हो सकता है हमें व्लॉग में देख के पता चले, जब तक मेरी वीडियो आएगी तब तक तो शायद व्लॉग नहीं आएगी, क्योंकि इनका व्लॉग आता है लेट, तो बाकी का चीज़ें हमें व्लॉग में पता चलेंगे कि आखिर क्यों ये पूजा में नहीं आई थी और क्यों इन्होंने कोई भी पूजा से रिलेटेड तैयारियाँ करी ही नहीं, क्या अभी तक सास से इन्होंने बात ही नहीं करी, वो भी एक क्वेश्चन मार्क खड़ा होता है कि अभी तक सास से बात ही नहीं करी। और अगर ऐसा हो रहा है तो प्लीज़ ऐसा मत करो, बात करो, है ना। तो बस ये था आज का एक रिएक्शन, आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और यस छठ पूजा से रिलेटेड चीज़ें भी ज़रूर क्लियर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।